रहमान रहीम, आज एक गंदम का एक प्रॉब्लम है, एक इशू आता है। उसमें अक्सर ज़मींदार पूछते हैं कि ये क्या इशू है, तो उस पर बात करनी है। ये देखिए, बाज़ुकात लोग जो हैं पूछते हैं कि ये मेरा जो गंदम है, इसका पत्ता इस किस्म का हो गया है, ये क्या इशू है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये इशू जो है, ये आप देखिए एफिड की वजह से होता है। और एफिड जो है यहाँ पे कोई केमिकल प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये लीव जो है, ये जो जिस दूसरे लीव से निकलता है उससे नहीं निकल पाता है। और ये जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ये लीव जो है डिफॉर्म हो जाता है। तो ये इशू अक्सर फील्ड में आता है, आप लोग देखते हैं। तो ये इतना ख़ास इशू नहीं है कि आप इसके लिए वरी हो जाएं, ये सिर्फ एफिड्स प्रॉब्लम की वजह से आता है, जिसकी कोई मतलब स्प्रे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना उसको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये खुद ब खुद टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अगर आपको इस तरह की कोई पत्ते नज़र आएँ तो परेशान ना हो, और ये वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वसलाम।